नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं दीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम IVF के सक्सेस रेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये फर्स्ट साइकिल में अवश्य फेल होता है, क्या ये सेकंड साइकिल या थर्ड साइकिल में ज्यादा प्रेगनेंसी रेट देता है, इन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे। तो हम ये 100 लोगों में देखने की कोशिश करेंगे और ये 100 लोग 30 से कम उम्र की महिलाएं हैं और हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पे सक्सेस रेट ज्यादा देखा गया है। तो 100 महिला को लेते हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है। तो ऐसे लोगों में 60 औरतें यानी 60 औरतें प्रेग्नेंट होंगी। तो सक्सेस रेट क्या हुआ? 60%। तो ये हुआ फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि फर्स्ट टाइम ट्रांसफर के बाद। जब सेकंड टाइम आते हैं यही महिलाएं, जैसे कि 40 लोग प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं ना 100 में, तो ये 40 में अगर दूसरी बार एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया तो इनमें 24 यानी कि 24 महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी। तो इसमें भी सक्सेस रेट 60% है, यानी कि 40 में 24 महिलाएं प्रेग्नेंट हुए तो 60% सक्सेस रेट है। क्यूमुलेटिवली देखें अगर हम यानी कि फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल दोनों को मिला के देखें तो 84 पीपल प्रेग्नेंट हुए, मगर हर साइकिल में सक्सेस रेट 60% ही रहा है। या फर्स्ट साइकिल रहने दीजिए या सक्सेस सेकंड साइकिल रहने दीजिए, तो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखा गया है, बट हर महिला को हर साइकिल में सक्सेस रेट 60% रहेगा अगर वो 30 ईयर से कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे सक्सेस रेट भी कम होता है। ये बहुत फैक्टर्स पे निर्धारित होता है, जैसे अंडों के क्रोमोसोमल कॉम्पिटेंसी यानी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज एज के साथ बढ़ते रहते हैं तो सक्सेस रेट भी IVF के द्वारा कम होता रहता है। तो हमने 30 से कम उम्र की महिलाओं का उदाहरण लिया है। जैसे उम्र बढ़ती रहती है, जैसे कि 40 साल की महिलाओं में 15-20% ही सक्सेस रेट रहता है और हर साइकिल में, चाहे वो एक बार कराए एम्ब्रियो ट्रांसफर या दूसरी बार कराए एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसमें भी उतना ही सक्सेस रेट रहेगा। इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको IVF के बारे में या एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट के बारे में, आपके फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यानी कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं, आपका गर्भाशय कैसा है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स कैसे हैं, उसका सक्सेस रेट कैसा रहेगा, अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।